बेज कोड 2019, वेतन संहिता 2019, ये कानून 2019 में पारित हो चुका था, मगर लागू होने वाला है अभी 1 अप्रैल से। ये सारी संहिताएं इकट्ठी लागू होने वाली। तब एक बहुत बड़ा प्रचार चल रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये महीना करने वाली, 24,000 रुपये महीना करने वाली। तो 18,000-24,000 का जो प्रचार था वो सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ी संख्या में हमारे बीजेपी के मित्रों ने, आरएसएस के जो दोस्त हैं, उन्होंने फैलाया था। जब वो पोस्टर फैलाई जाती थी, जब भी हम लिखते थे कि झूठ है, ये बीजेपी की सरकार कभी नहीं कर सकती है, तो ये षड्यंत्र चला था जो मैंने आपको याद दिलाया। ये 2019 में कानून बना था। विडंबना देखिए, तब राज्यसभा में इसके संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया था। जब ये प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय राज्यसभा में जो वामपंथी दल के जो सांसद थे उन्होंने इस प्रस्ताव को लाया था, और जब वोटिंग कराई गई तो इस प्रस्ताव के पक्ष में 8 वोट पड़े, 6 वामपंथी सांसद थे, 2 और किसी सांसदों ने इसके पक्ष में कि इस पर संशोधन हो, इस पर चर्चा हो, इसके पक्ष में वोट डाले थे, केवल 8 लोगों ने, बाकी सारे सांसद इसके विरोध में वोट किए थे। इससे समझना है साथियों, राजनीतिक रूप से हमारी चेतना कहां पर है। राजनीतिक रूप में हम इस राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर ये सोचते हैं कि हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, तो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, और भी दूसरे पार्टियों के सांसद हैं, ये हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हमको केवल ये समझना है कि जो वामपंथी दलों के सांसद हैं वो केवल हमारे प्रतिनिधि हैं, बाकी सब देशी विदेशी पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं। इसको गांठ बांध लो, ये अटल सत्य है। अब इस बात को मैं यहीं खत्म करता हूं। अब साथियों, मैं वेतन संहिता पर चर्चा शुरू करता हूं। पहले के जो 4 कानून थे उनको खत्म किया गया। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, ये 4 वेतन संबंधी जो कानून थे वो खत्म कर दिए। उसकी जगह ये एक संहिता को लाया गया। अब वेतन में सबसे बड़ी बात है कि वेतन की गणना कैसे हो। एक न्यूनतम वेतन तय करने का आधार क्या होगा, इसकी सिफारिश 1957 में जो भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था उसमें एक सिफारिश की गई थी सरकार के लिए। उस सिफारिश का जो आधार है उस आधार को ये संहिता नहीं मानती। पहली बात हमको ये समझना है। दूसरा साथियों, 1992 में एक प्रकरण चला सुप्रीम कोर्ट में, राप्टा कोस और ब्रेट का मामला था, जिस मामले में न्यूनतम वेतन निर्धारण का बहुत ही पुख्ता गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस गाइडलाइन को भी यह संहिता नहीं मानती। उस गाइडलाइन की किसी भी तरीके की चर्चा यह संहिता स्वीकार नहीं करती। दूसरी गड़बड़ है उसके साथ में साथियों, जो भारत, हमारा भारतीय श्रम सम्मेलन होता है उसके अंदर जो 44वां श्रम सम्मेलन था 2012 में, उसमें भी सिफारिश की गई थी। उसके बाद 45वें श्रम सम्मेलन 2013 में भी सिफारिश की गई थी। इसके बाद 2015 में 46वें श्रम सम्मेलन में भी सिफारिश की गई थी। जिन सिफारिशों को भी ये संहिता नहीं मानती। सरकार ने जितनी भी सिफारिशें आज तक की हैं, जो कमेटियों के अंदर जो सिफारिशें की गई हैं, उन सारी सिफारिशों को यह संहिता नहीं मानती। यानी अब तक का जो भी था वो सारा इन्होंने साफ कर दिया। किसी भी सिफारिश को, किसी भी आधार को, कि न्यूनतम वेतन इस आधार पर तय होगा, किसी भी आधार को नहीं मानती। इस सरकार का जो केंद्रीय कर्मचारी है उसका अकुशल का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये महीना, जो इसी सरकार ने घोषित किया, आपको सेल का उसको भी नहीं है सरकार आधार मानती है, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार जो न्यूनतम वेतन बनाने के जितने भी स्ट्रक्चर थे, जो भी स्ट्रक्चरों की सिफारिश अभी तक हुई है, उन सारी सिफारिशों को नकारती है। यानी जब से 1936 से लेके अंग्रेजों के समय से
जो भी हमने पाया था उस सबको इन्होंने खत्म कर दिया, सबको साइड कर दिया, सबको हटा दिया। पहली बात तो यह समझना है साथियों, ये सबसे बड़ा धोखा था, वो यही नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चाहते थे, और यही पूंजीपति चाहते थे, वो यही पूंजीपतियों के लिए ये करना चाहते थे जो इन्होंने कर दिया। एक बात तो इसको ध्यान रखना है। तो साथियों, किसी भी सिफारिश को मानने को तैयार नहीं है। अब ये क्या लेकर के आए हैं, फ्लोर लेवल का कॉन्सेप्ट लेके आए, फ्लोर लेवल की बात कर रहे हैं। अब फ्लोर लेवल के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिसकी अभी स्पष्टता होना बाकी है। का वेतन देने का जो दिन का जो काम का गणना है, उस गणना को दिन की जगह घंटों पे ले आए हैं, यानी वेतन घंटों से मिलेगा, घंटों का काम होगा। जैसे किसी दिन आपने किसी कारखाने में 2 घंटे काम किया तो 2 घंटे का वेतन, किसी दिन अगर कोई कारखाना 4 घंटे चला तो 4 घंटे का वेतन। अब यह है कि यदि हम ड्यूटी जाते हैं तो पूरा वेतन हमको पूरे दिन का मिलेगा, भले ही काम हुआ कारखाने में 2 घंटे हो 4 घंटे हो, मगर वेतन पूरे दिन का मिलेगा, तो घंटों से काम होगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। दूसरा ये समझना है साथियों कि ये जिस तरीके से कारखाने के अंदर जो ये ठेकेदारी पे काम होता, पीस रेट पे काम होता, पीस रेट को भी ये लीगल बना रहे हैं, जबकि पीस रेट अभी कहीं पे प्रावधान नहीं है पीस रेट का लॉ के अंदर। इस तरीके से साथियों, जो कारखाने के अंदर शोषण के जितने भी तंत्र हैं, जिस जिस तरीके से कारखाना मालिक मजदूर का शोषण कर सकता है या कर रहा है, उसको लीगल बना करके उसी तरीके का प्रावधान लेके आ रहे हैं। तो ये जो फ्लोर लेवल वेतन की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो सरकार इस संहिता में अलग से लेकर के आई है। ये बड़ा खतरा है जिसको हमको समझना है। सरकार ने ही खुद एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने एक न्यूनतम वेतन का सिफारिश किया था, उसको भी नहीं माना इसने, और इन्होंने 2019 में ऐसी फ्लोर लेवल वेतन के कॉन्सेप्ट से 178 रुपए दिन न्यूनतम वेतन घोषित किया, 178 रुपए दिन 2019 में। तो ये हमको समझना है साथियों, 178 रुपए दिन ये जो वेतन है, ये वेतन जो सारे देश के जो राज्य की सरकारें हैं उनका जो न्यूनतम वेतन है, उसमें से 31 राज्य सरकारों से कम है। तो ये न्यूनतम वेतन से कम है, 178 रुपए दिन में क्या होता है? न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 रुपए महीना होना चाहिए, आज महंगाई के हिसाब से 21,000 रुपए महीना होना चाहिए। तो ये जो कोई भी आधार को ना मानते हुए इस न्यूनतम वेतन के लेवल को गिराना, ये सरकार का मकसद था कि श्रम कानून खत्म कर देना, तो श्रमिकों की जो सुरक्षा उसको खत्म कर देना, कानून को खत्म कर देना, तो ये सब उन्होंने कर दिया। अब जो वेतन है उसको भी घटा देना, कानूनी रूप से वेतन की कोई गणना कोई चर्चा ना होना, ये दोनों साजिश हैं। ये साजिश वेतन संहिता से इस सरकार ने की है साथियों। आपको याद होगा कि उस समय सरकार के लोग या बीजेपी के लोग कहते थे कि राज्य सरकारें तय नहीं करेंगी, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। आपको याद होगा हमने बहुत बहस की इस मुद्दे पर, बहुत सारे लोगों से सोशल मीडिया पर बहस की, लोग बहुत उल्टा सीधा बात करते थे और हम उनको कहते थे झूठे कभी हो नहीं सकता, मगर वही हुआ। आज इस सरकार ने न्यूनतम वेतन जो सेंटर से घोषित करने का फार्मूला, वो 178 रुपए दिन का लेके आए, 18,000-24,000 तो भूल जाओ। तो ये धोखा था साथियों, हमको ये भी समझना है, इनके झूठ के तंत्र को प्रचार को समझना है हमको, और साथ में ये भी ध्यान रखना है साथियों, जिस तरीके से राज्य सरकारों के ऊपर ये सरकार सब कुछ छोड़ रही है, वो इनका टारगेट है कैसे भी करके जो राज्य सरकारें हैं वो अपने हिसाब से फिर शोषण कर सकें श्रमिकों का, या करवा सकें, या वो अपने हिसाब से कानून बना सकें। अब इनने ऐसा कानून पारित कर दिया है संहिता, अब इसके बाद इनको लोकसभा और राज्यसभा में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, मगर इनको किसी भी लोग ऑफिस ऑर्डर से राज्य सरकार परिवर्तन कर सकती है, श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बात करने की जरूरत नहीं, बोर्डों से बात करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके का सारा हाथ पैर काट दिया है मजदूरों का, मजदूरों के प्रतिनिधियों का, और एक तरफा सरकार और पूंजीपति के हवाले सारा चीज हो गया है। तो ये साथियों वेतन संहिता है जिसको हमको
इसके जो गलत प्रावधान है मैंने ये आपके सामने रखी है, सरकार की गलत मानसिकता है ये आपको मैं आपके सामने मैंने रखी, जिसको हमको समझना है। एक और मसला है साथियों, इस सरकार ने कर्मचारी और मजदूर दोनों परिभाषाओं में घोल मोल करके रखा, कुछ जगह कर्मचारी लिख दिया कुछ जगह मजदूर लिख दिया, कर्मचारी की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है मजदूर की परिभाषा भी स्पष्ट नहीं है। तो इसको बहुत सारे श्रमिक संगठनों ने मांग रखी थी कि इसको आप स्पष्ट करें, ये बार बार दो दो शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्मचारी भी तो श्रमिक है और अगर कर्मचारी कोई अलग परिभाषा है तो उसकी डेफिनेशन बनाओ। तो एक सरकार ने इसको ना स्पष्ट नहीं किया, इससे वो इसको स्पष्ट ना करके बहुत सारा घालमेल करना चाहते हैं जो इस परिभाषा के नाम पर घालमेल करते हैं। तो यह भी इसमें एक चोर दरवाजा इस सरकार ने खोला है साथियों। और ये वेतन संहिता में ये छूट दी गई है कि यदि हड़ताल वाला जो है गैरकानूनी हड़ताल होती है, एक दिन की हड़ताल में करता है श्रमिक तो 8 दिन का वेतन काटना है, एक दिन की हड़ताल में 8 दिन का वेतन काटना है, ये छूट भी ये संहिता में लिखा गया है, ये लिखना वो नहीं भूले। बाकी चीजें सब चीजें हटा दी मगर मजदूर का वेतन काटने का बात नहीं भूले, ये भी संहिता में लिखा हुआ है साथियों। अब बोनस के बारे में समझ लेते हैं। बोनस के बारे में सबसे एक महत्वपूर्ण बात है जो इस कानून के अंदर थी, जिसके तहत बोनस श्रमिक पाता था, जिसके तहत लड़ता था, वो था कारखाना मालिक का मुनाफा। यदि कारखाना मालिक मुनाफा बनाता है तो उसको बोनस मिलता है, यदि मुनाफा नहीं बनाता है तो उसको 8.33 में ही काम चल जाता है। अगर उसको 20% तक जाना है तो उसको मुनाफा होना है, जैसा मुनाफा होगा उतना दर बोनस का बढ़ेगा, यह कानून के अंदर था। और मुनाफा हुआ नहीं हुआ यह कैसे चेक होता था, यह उसकी बैलेंस शीट से चेक होता था। और बोनस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान था कि यूनियन जो है लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से उसकी बैलेंस शीट बुलवा सकती है, उसके सारे वो दस्तावेज बुलवा सकती है जिसमें उसका मुनाफा वो दिखाता है, ताकि उस मुनाफे को देख करके उसको उसका बोनस का भुगतान किया जा सके। यह प्रमुख तत्व था अभी तक का जो 1965 का कानून था, इसी के आधार पर सारा संघर्ष होता था। अब संहिता में क्या किया है, यह संहिता जो है यह सारे जो बैलेंस शीट है या ये खाते हैं इसकी जानकारी है इस तक पहुंचने पर रोक लगाती है, आप वहां तक पहुंच ना पाओ उसके बहुत सारे अवरोध पैदा करती है, ताकि आपको बैलेंस शीट मिलेगी नहीं, आपको जानकारी मिलेगी नहीं, तो जो बोनस मालिक देगा वो बोनस आपको लेना पड़ेगा। तो बोनस अधिनियम में बेसिक जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने तोड़ा है। बाकी तो साथियों इन्होंने नौकरी का जो स्थायी नौकरी का प्रावधान खत्म कर दिया, तो उसके बाद से बोनस स्वतः ही खत्म हो जाता, केवल बोनस उन्हीं को बचता है जो 4-5% स्थायी श्रमिक बचे हुए हैं। अभी कारखानों के अंदर 95% श्रमिक अस्थायी है, ठेका मजदूर है, ठेका मजदूरों का बोनस का प्रावधान है उसके अंदर, मगर ठेका मजदूरों को बोनस कोई देता नहीं है, 8.33 भी नहीं देता, बड़े मुश्किल में मिलता है उनको। कुछ एक कारखाने हैं जो 2-4% होंगे जो देते होंगे। तो वैसे ही जब सारा काम ठेका मजदूर करना है, स्थायी मजदूर खत्म हो जाना है, तो बोनस किसको देना है? तो स्थायी मजदूर का नौकरी खत्म करके बोनस का वैसी सरकार ने खत्म कर दिया, यह भी हमको साथी ध्यान रखना है। इसलिए ये बोनस का जो प्रावधान है बाकी इसको ज्यों का त्यों रखा, ये जो प्रमुख बात थी उस प्रमुख बात को इन्होंने संहिता के अंदर कमजोर किया, इसको हमको ध्यान रखना है। और साथ ही इससे पहले जो मैंने संहिता समझाई आपको, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य काम करने की जो परिस्थिति है, उस संहिता के अंदर वैसे ही इन्होंने सारा कुछ कमजोर कर दिया है। संहिता के माध्यम से जो बेसिक श्रमिक की सुरक्षा की चीजें थी उनको हटा दिया है। यदि आपने संहिता का वीडियो नहीं सुना हो तो उसको जरूर सुन लें, और उसको उसके पहले आईआर की संहिता है तो उसको आईआर का जो संहिता है उसको भी सुन लें, उसके दो वीडियो हैं, ताकि आप इन सारी चीजों को समझ सकें। उसमें भी सारे एक्टों में प्रावधान बदलाव किया है, तो जो बदलाव किए वो भी आपको समझना जरूरी है, तभी आप यहां तक की सारी चीजों को समझ पाएंगे। इसके पहले की जो संहिता के वीडियो जरूर सुन लें आप। उसके बाद से साथियों श्रम कानून में इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर बना दिया है। जांच का जो निरीक्षण का अधिकार है वो लगभग खत्म हो गया है, और जहां जांच करना है उसका अधिकार श्रम कमिश्नर उपयुक्त सरकार से परमिशन लेने के बाद ही करना है, वो पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। तो उसके राइट्स को भी लगभग इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है संहिता के माध्यम से। और जो श्रमिकों की शिकायतें होंगी उस पर भी जांच का जो अधिकार था इंस्पेक्टर को वो खत्म कर दिया है। अब उसके लिए भी इनको श्रम कमिश्नर से परमिशन लेनी होगी, उसके परमिशन के बाद से कारखाने से परमिशन लेनी होगी, वो पिछली संहिता में विस्तार से समझा चुका हूं। तो ये साथियों जो संहिताओं के माध्यम से इन श्रम कानूनों का जो अस्तित्व था, मजदूरों की श्रमिकों की जो सुरक्षा थी उसको नष्ट किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो मैंने आपके सामने सारी बात रखी है। साथियों अब समय यह है कि मैं वेतन संहिता को यहीं खत्म करता हूं, और आपसे ये कहता हूं कि आपने पहले की संहिता ना सुनी हो तो उनको सुन लें। दूसरा निवेदन ये करता हूं साथियों कि हमको राजनीतिक रूप से इस बात को समझना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से हमारे देश के अंदर मजदूरों को, कर्मचारियों को गुलाम बनाने के लिए, बधुआ मजदूर बनाने के लिए सारे षड्यंत्र कर रही है, ये हमको समझना है, इनके राजनीतिक रूप से समझना है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, सारे देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें। ये मजदूरों के, कर्मचारियों के, मेहनतकश वर्ग के दुश्मन है, ये इनके श्रम को, इनकी मेहनत की मजदूरी को लूटना चाहते हैं, लूट करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के खजाने में डालना चाहते हैं, ये हमको समझना है साथियों। ये सरकार का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है। आपने अगर सारी संहिता सुन ली होगी तो इस गलत फहमी से बाहर निकल जाओ कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार गरीबों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जो हर हर मोदी, जय जय मोदी जो कर रहे हैं, उनको समझाओ कि इस मोदी भक्ति से बाहर निकले और अपने पेट के सवाल, जिंदगी के सवाल, जो असल सवाल है उनके बारे में चर्चा करें, उनको समझें, उनको आगे बढ़ाएं। तो ये बात भी ध्यान रखें, इसका अपील मैं संहिता की चर्चा के साथ आपके सामने रख रहा हूं। आपसे अपील है, निवेदन है कि सारे महत्वपूर्ण जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। उसके साथ में हमारे चैनल का जो प्ले लिस्ट है उस पर विजिट करें, हमने बहुत सारे फोल्डर बनाए हुए हैं जिसमें ये जनविरोधी नीति का फोल्डर है, किसानों के आंदोलन का फोल्डर है, गुलामी का फोल्डर है, श्रम कानूनों का फोल्डर है, बैंक घोटाले का फोल्डर है, बहुत सारे वीडियो है जिनको आप जाकर के सुने, जो वीडियो अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। उसके साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, कोई भी हम वीडियो बनाए तो उसकी जानकारी आपको मिले, आप उसको सुन सको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सके। आप ये सब करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।